अभी हमने कर लिया डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। एक बार समझ आ जाए डायरेक्ट मेथड तो बाकी सारे इसी पे बेस्ड है। कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, स्टेप डिविएशन। उसके बाद अभी अज्यूम्ड मीन मेथड, आल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड और द अज्यूम मीन मेथड, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एक्स की जगह क्या ले लो, डी एक्स, वाई की जगह क्या ले लो, डी वाई। एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह डी वाई, एक्स स्क्वायर की जगह डी एक्स स्क्वायर, एक्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर की जगह डी एक्स का होल स्क्वायर, डी सिग्मा वाई स्क्वायर की जगह सिग्मा एक्स की जगह डी एक्स। तो यहां सिग्मा वाई है तो क्या हो जाएगा, डी वाई। डिविएशंस आ जाएंगी फ्रॉम द अज्यूम मीन इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से देखना, अज्यूम मीन मेथड एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, बट अब यहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, नॉट द एक्चुअल मीन। द मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन्स इज क्वाइट लेंथी एज शाश्वता पॉइंटेड आउट एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मीन वैल्यूज आर होल नंबर्स। अगर बाय चांस मीन डेसिमल्स में आ जाता तो जो आपको कैलकुलेशन अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो क्लोज टू इम्पॉसिबल लगने लग जाती अगर डेसिमल्स में आता मीन। तो कह रहे फिर सॉल्यूशन, बट इन प्रैक्टिस मीन वैल्यूज दे मे बी इन फ्रैक्शंस नॉट नेसेसरली होल नंबर। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इट इज बेटर टू यूज शॉर्टकट और द अज्यूम मीन मेथड। In this method, deviations are taken from the assumed mean and the following formula is used. So exactly same formula se, ab aap batayenge, kya formula derive kiya? Jahan jahan capital X tha, wahan dx le lena. Chalo, main batata hoon. Pehle kya tha? N into product of xy. To yahan pe kya ho jayega? Product of dx and dy. Phir minus सिग्मा एक्स सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा डी वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। कोई भी डाउट? नो सर। फॉर्मूले अपने आप में देखने में बड़े अजीब से लगते हैं लेकिन अगर रिलेट करना शुरू करो तो ही फॉर्मूला याद कर पाओगे और फिर मुश्किल भी नहीं लगेगा। इसलिए लगेगा कि एक बार एक चीज समझ आ जाए फिर बाकी करने पॉसिबल है, और फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो इम्पॉसिबल है क्वेश्चंस करना। तो आपका फोकस फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना और उसको लर्न करने पे होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, सिग्मा डीएक्स डीवाई उसका टोटल प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई एन इंटू सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ आ गया? एक क्वेश्चन करके दिखाऊं? Yes. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं अज्यूम मीन मेथड पे। ध्यान से देखो, एक्सेल शीट विजिबल है? Yes, sir. चलो अब हम अप्लाई करेंगे क्या, अज्यूम मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड की जगह assumed mean method. Formula क्या है, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए formula. Formula क्या है, n
sigma dx dy minus sigma dx dy square root of n sigma dx square minus sigma dx ka whole square root of n sigma dy square minus sigma dy ka whole square. Chalo. X और Y है हमारे पास. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? dx. Yes or no? जल्दी. Yes, dx. और क्या चाहिए? dy. और क्या चाहिए? dx dot dy. और क्या चाहिए? dx का स्क्वायर. और क्या चाहिए? dy का स्क्वायर. और तो कुछ नहीं चाहिए? No sir. तो चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं. कुछ भी बोलो, कोई भी. गीतांजलि आप बोलो बेटा, कुछ भी अज्यूम मीन. सर 18. एक सीरीज में आपने मांग 18, वाई में कुछ भी 12. चलो वाई में आपने लिया 12, एक्स में लिया 18, कोई भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं होता कि एक ही टेयर का होना चाहिए. नो, कुछ भी. चलो सॉल्व करते हैं. डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं. एक्स में हमने अज्यूम मीन क्या लिया? 18. और वाई में अज्यूम मीन क्या लिया? 12. हाईलाइट कर देना चाहिए, लिख लेना चाहिए एक एक करके. 12 माइनस 18, 15 माइनस 18, 18 माइनस 18 जीरो, 21 माइनस 18, 24 माइनस 18, 27 माइनस 18, 30 माइनस 18. dy 6 माइनस 12, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 14 माइनस 12, 16 माइनस 12, 18 माइनस 12. कोई भी डाउट? प्रोडक्ट dx इंटू dy, 6 6 36, 4 3 12, 0 0, 6 2 12, 9 4 36, 12 6 72. dx का स्क्वायर 6 इंटू 6, 36. 3 3s are 9 0 9 36 9 9 is 81 144. dy square 6 into 6, 36 4 4s are 16 2 2s are 4 0 4 4 16 6 6 are 36. कोई भी डाउट? नो सर. तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ? वैल्यूज थोड़ी छोटी हो गई एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड. तो यहाँ पे क्या आया? dx dy sigma dx dy sigma dx square sigma dy square. तो चलो बेटा पुट करें वैल्यूज. r is equal to n के number of pairs into सिग्मा डी एक्स डी वाई 168. ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैल्यू कौन सी पिक करनी है. माइनस सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स इज 21, सिग्मा डी वाई इज 0, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन 7 सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 315 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर 112 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर
sorry. One sixty-eight into seven, seven six are 42, 1076, 1096. Chalo, 168 into 7, very close, 1176 minus 0. Square root of 315 into 7. 2205 minus 441. Square root of 112 into 7, 784 minus 0. 1176 divided by 2205 minus 441 1764. 1764 into 784. 1764 ka square root 42. 1176 divided by 42 into 784 ka square root 28 into 42. Wow, bhai wow. 1176 divided by 1176 is equal to. तो क्या है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. बेटा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला तो सेम रहेगी, क्वेश्चन जो मर्जी हो, वैल्यू सेम, क्वेश्चन सेम. लेने का पर्पस मेरा था कि ये प्रूव करना, मेथड कोई भी हो कोरिलेशन सेम आएगी. तो अगर वो बस बोलेंगे कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करें. सबसे सुटेबल शॉर्टकट रहता है, बट अगर वैल्यू ज्यादा है और उसमें कॉमन फैक्टर है तो अभी नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड. बट सबसे कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन मेथड होता है. फॉर्मूला याद होगा तो ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, वरना इम्पॉसिबल है दूर दूर तक. कैलकुलेटर फॉर्मूला बता सकता है क्या? बोलो. नहीं सर. कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशन में हेल्प कर सकता है, फॉर्मूला तो वही पर्पस है हमें इस चैप्टर का, कि हमें सीखना है कि इस चीज का फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला पता होगा तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कोरिलेशन. मुश्किल नहीं है, आई रिपीट अगेन एंड अगेन. अब एक बार बताओ, अगर वो वाला फॉर्मूला ढंग से आता हो तो ये फॉर्मूला याद करना मुश्किल होगा क्या? नो सर. नो सर, प्रोवाइडेड आपको वो फॉर्मूला आता हो तो ये फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं होगा. अदरवाइज कोरिलेशन का फॉर्मूला ही कितना बड़ा लगा इनिशियली, कैसा लगता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसे याद भी कर सकते हैं. ऐसा लगता है कि नहीं लगता इनिशियली देख के? यस सर. यस सर, मुझे भी लगता था, मुझे भी लगता था. तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि करे कैसी बातें कर रहे हैं इसमें, तो मतलब कब किस के स्क्वायर से, कब किस वैल्यू से, कहां स्क्वायर रूट है, कहां नहीं है, कहां क्या है ये. बट मैं कह रहा हूं उसका सॉल्यूशन बार बार लिखना होगा. लिखोगे तो रिलेट करना शुरू करोगे, फिर आपको लगेगा ये तो सेम फॉर्मूला है, मेथड अलग है. एक में स्टेप डिविएशन, अगर यहाँ डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन है तो अब स्टेप डिविएशन में बस क्या होता है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, यहाँ डीएक्स डैश आ जाएगा, डीवाई डैश आ जाएगा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला रहेगा. डीएक्स की जगह डीएक्स डैश आ जाएगा, वहां पे कैपिटल एक्स की जगह डीएक्स आ गया था, कैपिटल वाई की जगह डीवाई आ गया था. तो ऐसे रिलेट करके करेंगे तो कुछ भी नहीं है. यस, कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट, उसका कुछ नहीं कर सकते आप. वो प्रैक्टिस कर करके आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. बट स्टेप वन इज फॉर्मूला याद होना चाहिए. स्टेप टू एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, कि यहां तक तो पहुंचो कि ये वैल्यूज पुट कर पाओ. फिर यस, थर्ड पार्ट इज कैलकुलेशन, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है. तो बेटा तीसरा मेथड कौन सा? अगर हमने assumed mean method, also known as the shortcut method.